हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, एक धमाकेदार वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है आरआरबी के अंदर, यानी कि आरआरबी के अंदर एक पैरामेडिकल की वैकेंसी आई है, तो उससे रिलेटेड यह वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी अपडेटेड वीडियो अगर कोई डाउट है तो वहाँ जाके क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वर्कशॉप रेलवे हॉस्पिटल एस्टर्न रेलवे कंचनपुरा, यानी कि कंचनपुरा की तरफ से आपको जो एस्टर्न रेलवे हॉस्पिटल है उसकी तरफ से आपको यह वैकेंसी देखने को मिल रही है। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगा कि इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लीजिए, यानी कि इंटरव्यू बेस पर आपकी यह वैकेंसी रहने वाली है। यानी कि इसके अंदर स्पष्ट दिया गया है कि इंटरव्यू बेस पर आपकी यह वैकेंसी रहेगी, ठीक है। यह कब जारी किया गया था, तो 10 मार्च को यह जारी किया गया था। इसके अंदर देख लीजिए, इनकी टू सर EDPM एस्टर्न रेलवे कंसर्न पर सब्जेक्ट क्या है इसका, कि वॉल इन द इंटरव्यू फॉर द एंगेजमेंट ऑफ द पैरामेडिकल स्टाफ, यानी कि पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए क्या दिया गया है, यह सब्जेक्ट दिया गया है। तो मैं बताऊंगा कौन कौन सी वैकेंसी इसके अंदर दी गई है। तो बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट के अंदर बताऊंगा इसका इंटरव्यू कब रहने वाला है। तो सबसे पहले देख लीजिए सीरियल नंबर, कैटेगरी ऑफ द स्टाफ एंड जो एंगेजिंग है उसका नंबर दिया गया है इसके अंदर। तो जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट देखने को मिल रही है इसके अंदर, वो पोस्ट रहेंगी आपकी 7, यानी कि 7 पोस्ट क्या रहेंगी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद अगर फार्मासिस्ट की मैं बात करूं तो फार्मासिस्ट की 3 पोस्ट इसके अंदर यहां देखने को मिल रही हैं। उसके बाद अगर लैब असिस्टेंट की मैं बात करूं तो लैब असिस्टेंट की पोस्ट देखने को मिलेंगी आपको 2, यानी कि कुल मिला के इसके अंदर पोस्ट देखने को मिल रही है 12 के लगभग इसके अंदर पोस्ट देखने को मिल रही है आपको। और इसके अंदर क्या चीजें लिखा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड द सेम एस्टर्न रेलवे वेबसाइट, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, अपलोडेड कर सकते हैं या अपलोड जाके देख सकते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, यानी कि रेलवे वेस्टर्न वर्कशॉप कंचनपुरा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर क्या है इसका नोटिफिकेशन दिया गया है। तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं और अपनी और भी डिटेल अगर लेना चाहते हैं तो वहां जाके ले सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इस जो वैकेंसी का जो इंटरव्यू है वो कब रहने वाला है, तो इस वैकेंसी का जो इंटरव्यू रहेगा वो रहेगा 14 मार्च को, यानी कि 14 मार्च को इस वैकेंसी का क्या रहने वाला है आपका इंटरव्यू रहने वाला है। कि जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, यानी कि जो भी कैंडिडेट रेलवे की वैकेंसी के अंदर जाना चाहते हैं, तो वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद 14 मार्च को अपना जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू देने जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और अगर अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करते जाएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जैसे ऐसे ही हम अपडेटेड वीडियो आपके पास टाइम से लेते रहते हैं। और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, सबसे पहले आपके पास यह अपडेट पहुंचे कोई भी वैकेंसीज की। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।